हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एलईडी डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे। तो एलईडी डिस्प्ले मतलब लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, ठीक है। सेवन सेगमेंट के बारे में, इसके बारे में हमको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द सेवन सेगमेंट डिस्प्ले ऑल्सो रिटन एज सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ सेवन एलईडीज। जो हम लोग को सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है, उसमें क्या एग्जिस्ट करता है? सेवन एलईडीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फैशन एज शोन, ईच ऑफ द सेवन एलईडीज इज कॉल्ड अ सेगमेंट बिकॉज व्हेन इल्यूमिनेटेड द सेगमेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल डिजिट, ठीक है, टू बी डिस्प्लेड। An additional 8 LED in some time used within the same package, thus allowing the indication of a decimal point. ठीक है? When two or more segment display are connected together to display number greater than 10. ठीक है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग डिजिट लिखते हैं, उसमें क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. ठीक है? और जीरो ये लिखते हैं, ठीक है। तो उस नंबर को शो करने के लिए, उस नंबर को लिखने के लिए हम लोग सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करते हैं, ठीक है, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। और उसके लिए क्या करते हैं? डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। डायोड मतलब सेवन सेगमेंट में सात डायोड का यूज करते हैं, और डेसिमल को शो करने के लिए एक एक्स्ट्रा डायोड का भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग फिगर से देखेंगे। आगे देखिए, ये मेरा क्या है, आप लोग कैलसी में देखेंगे, कैलकुलेटर में इस टाइप का आपको जो डिस्प्ले होगा, इस 888 टाइप का शो हुआ रहता है, दिखाई देता है डिस्प्ले पे। जैसे देखिए, ये क्या है, ये भी एक एलईडी है, ये भी एलईडी है, ये भी एलईडी है, ये भी एलईडी है, मतलब ये क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सेवन क्या है, ये एलईडी है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक, यहाँ पर भी एक एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एलईडी, मतलब टोटल 8 कनेक्शन होता है एलईडी का। और इसमें ये होता है कि जो डिजिट हम लिखना चाहते हैं उस एलईडी को ऑन कर देते हैं, बस। मतलब 1 लिखना चाहते हैं तो बी और सी एलईडी को क्या करेंगे, हम लोग ऑन कर देंगे, तो मेरा 1 शो होने लगेगा, मतलब लाइट वहां से आने लगेगा, और क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा, और यहीं पर केवल बी और सी पर लाइट जलेगा और ये मेरा शो होगा, ठीक है, ऑन मोड में होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी और डी पी, इसी एलईडी को यहाँ पर बाहर शो किया गया है, दिखाया गया है कि ये क्या होता है, एलईडी होता है। कौन कौन सा, ए बी सी डी, 8 ठो एलईडी है, जिसमें 7 ठो क्या है, ये वाला है, और डीपी क्या है, क्या है, डेसिमल, डेसिमल वाला, ठीक है, ये एलईडी है, ठीक है। और देखिए इसको क्या किया गया है, कॉमन कैथोड, इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, कॉमन कैथोड, कॉमन मतलब, और कैथोड मतलब कैथोड, जितना भी 8 एलईडी है उसके कैथोड को कॉमन कर दिया गया है, मतलब एक ही वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। जितने भी 8 एलईडी है इसके कैथोड को क्या किया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है, और एनोड को ऐसे ही रख दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमको बी और सी को, एलईडी को जलाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बी है और ये सी है, इसको ऑन कर देंगे, मतलब ऑन कैसे करेंगे, बी और सी पर हाई वोल्टेज दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पर हाई वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, एलईडी कैसे काम करता है, फॉरवर्ड बायस में करता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो एनोड होता है वो हाई वोल्टेज, कैथोड लो वोल्टेज, तो कैथोड जो है वो पहले से ही क्या है, कॉमन है, और वो ग्राउंड है, ठीक है, मतलब 0 वोल्ट पे है। तो यदि हमको बी और सी को ऑन कराना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज दे देंगे, ठीक है, और ये सबको
ओपन ही छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, बी और सी हमको ओपन दिखाई देगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और वन शो होगा। मान लीजिए जीरो दिखाना है हमको, डिजिट जीरो, जैसे कैलकुलेटर में मान लीजिए कि जीरो आता है तो जीरो कैसे लिखाता है, तो उस टाइम होता ये है कि जो मेरा ए एफ ई डी सी और बी, ये जो मेरा एलईडी है ये सिक्स एलईडी क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और जी क्या रहता है, ऑफ रहता है। तो ये जीरो जैसा हो जाएगा ना, देखिए देखिए ठीक है, तो मान लीजिए इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए और इसको ऑन कर दिए, तो ये मेरा कैसा हो गया, जीरो जैसा हो गया। ठीक है, तो हम क्या किए, ए को ऑन किए, बी को ऑन किए, सी को ऑन किए, डी को ऑन किए, ई को ऑन किए और एफ को ऑन किए। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई एफ को ऑन किए तो ये कैसा हो गया, जीरो हो गया। मतलब हम ए पर हाई वोल्टेज दे देंगे, बी पर हाई वोल्टेज दे देंगे, सी पर हाई वोल्टेज दे देंगे, ई पर हाई वोल्टेज दे देंगे और एफ पर हाई वोल्टेज दे देंगे और जी और ये डी पी को ओपन ही रखेंगे। तो ये मेरा क्या कौन सा डिजिट शो करेगा, जीरो। ठीक है, वैसे ही आप ऑन कराकर टू थ्री फोर फाइव, टू लिखना होगा, थ्री लिखना होगा, तो क्या करेंगे, ए बी जी सी डी इसको ऑन करा देंगे। देखिए ए बी जी डी ये सी ये कैसा हो जाएगा, तीन जैसा बन जाएगा, थ्री जैसा बन जाएगा। तो जो मतलब डिजिट हम लोग टाइप करते हैं, देखते हैं कैलसी में वो क्या हो जाता है, जैसे ही कैलसी में टाइप जो डिजिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एलईडी है वो क्या हो जाता है, ऑन मोड में हो जाता है। और जैसे ये मतलब बहुत लेस टाइम में होता है, जैसे ही हम लोग नंबर डिजिट को टाइप करते हैं वैसे ही नंबर शो हो जाता है, मतलब ये बहुत कम टाइम लेता है। एलईडी क्या हो जाएगा, वो जो डिजिट होगा जो हम लोग लिखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एलईडी है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा और मेरा वो डिजिट शो होने लगेगा। इसमें यही होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला का ही लिखा हुआ है कि फिगर वन शो ए सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले एज इंडिकेट बाय द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑन द लेफ्ट, इच सेगमेंट इज एन इंडिविजुअल एलईडी, वही जो बताए, दिस इज अ कॉमन कैथोड डिस्प्ले, ऑल ऑफ द कैथोड्स ऑफ द सेगमेंट एलईडी आर कनेक्टेड टुगेदर। क्या होता है, जितना भी एलईडी का कैथोड होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब एक ही वोल्टेज से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज को दिखाया गया है। देखिए जैसे हमको वन लिखना था तो ये मेरा बी और सी क्या हो गया, वोल्टेज भी सप्लाई दिए कहाँ पे, ए डी ई एफ जी और डी पी को ऑन रखे और बी और सी पर केवल वोल्टेज सप्लाई दिए, तो ये क्या हो गया मेरा बी सी ऑन रहा और सब क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो मेरा डिजिट कौन सा शो होने लगा, वन डिजिट शो होने लगा। वन लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही ना वन होता है, ये डिजिट क्या होगा, वन शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, और एक तरीका की होता है, सेकेंड तरीका क्या होता है कि पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, कैथोड को कॉमन किए थे, अब और सेकेंड तरीका क्या होता है कि हम लोग एनोड को कॉमन कर दें, जितना एलईडी है उसमें हम लोग क्या किए, एनोड को कॉमन कर दें। एनोड को कॉमन कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज हो गया तो जिस डायोड को ऑन करना है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को ऑन करना है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेस वोल्टेज सप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, थ्री लिखना है,
थ्री लिखना है हमको, हमको क्या करना है, थ्री लिखना है ये, तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, सी है, ये क्या है, डी है, ये क्या है, जी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए को, बी को, सी को और डी को, और यहाँ पे जी है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लो वोल्टेज दे देंगे, और सारे को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो जैसे ही लो वोल्टेज देंगे ए को, बी को, सी को, डी और जी को, जैसे ही लो वोल्टेज दिए तो क्या हो गया, मेरा एलईडी वर्किंग मोड में आ जाएगा, मतलब लाइट इमिट करने लगेगा, और लाइट देगा तो क्या होगा, केवल ये और केवल ए, बी, सी, डी और जी मेरा क्या होगा, ग्लो होगा। तो हमको कैसा ये दिखाई देगा, थ्री जैसा दिखाई देगा। तो कैलसी में यही ना होता है, कैलकुलेटर जो हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेटर, उसमें क्या कर होता है, यही होता है, इसी बेस पे ये वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर भी वन को ही दिखाया गया है कि हमने क्या किया है, ग्राउंडेड कर दिया। कॉमन एनोड में, एनोड को क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज को, सारे जितने भी एलईडी लगे हुए थे उसके एनोड को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए और उसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिए। ठीक है, और जो कैथोड है, जिस एलईडी को हमको ऑन रखना है उसको क्या किए, लो वोल्टेज दे दिए। ठीक है, और सारे को ओपन रख दिए। तो मेरा क्या हो गया, जो एलईडी वर्किंग मोड में होगा वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे शो होगा डिस्प्ले पे, मेरा क्या होगा यहाँ पे शो होगा। तो बी और सी वर्किंग मोड में है तो बी और सी शो हो रहा है, ऑन मोड में है तो ये क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, और ग्लो हो रहा है तो ये कैसा शो हो रहा है, वन जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यही मान लो हमको क्या दिखाना रहता है, डेसिमल दिखाना रहता है, तो हम क्या करते, ये जो डेसिमल वाला एलईडी है उसको भी क्या कर देते, लो वोल्टेज दे देते, तो ये भी ग्लो होने लगता है, तो ये भी ग्लो हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि हमको क्या लिखना है, 1.1, तो एक एलईडी ये हो गया, फिर और भी एक सेकेंड एलईडी लगाएंगे, सेकेंड एलईडी लगाएंगे किस लिए, सेकेंड वाले वन को, ये वाले वन को शो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह एलईडी डिस्प्ले 7 सेगमेंट वर्क करता है। ठीक है, इसका हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, आप लोग जनरल देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, उसमें क्या होता है, या हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जो रेलवे में टाइमिंग वाला जो लगा रहता है डिजिटल वॉच, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ऑफ रहेगा तो आपको दिखाई देगा 8:8 जैसा क्या रहता है, उस पर बना रहता है, और जैसे ही जो शो होना रहता है, वन शो होता है, तो वन वाला जो एलईडी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वन शो होने लगेगा, टू वाला एलईडी ऑन हो जाएगा तो टू शो होने लगेगा, ऐसे ही ये क्या करता है, वर्किंग करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये क्या है, एलसीडी इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले विच इज यूज्ड लिक्विड क्रिस्टल इन इट्स प्राइमरी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, एलसीडी क्या हुआ, जैसे टीवी का जो स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, वो क्या होता है, एलसीडी ही होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो उसमें क्या यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है, किस लिए, कोई भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे हम लोग कोई फिगर देखते हैं, कोई डिजिट देखते हैं, कोई भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, एलसीडी इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले विच इज यूज टू डिस्प्ले न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को शो करने के लिए भी किया जाता है, साथ में जितने भी फिगर होते हैं, हम लोग क्या टीवी पर वीडियो देखते हैं, इस सब को भी शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एलसीडी डू नॉट जनरेट लाइट एनर्जी लाइक एलईडी। जैसे एलईडी क्या होता है, एलईडी में क्या होता है, एलईडी लाइट जनरेट किया तो हम लोग क्या हुआ, डिस्प्ले देख, मतलब देख रहे थे क्या, जैसे 8 को दिखाना था या 4 को दिखाना था, उसमें क्या हो रहा था, लाइट को वो जनरेट कर रहा था,
जिस डिजिट पे वो लाइट जनरेट कर रहा था वो डिजिट हमको दिखाई देने लग रहा था, ठीक है। लेकिन एलसीडी में क्या होता है, एलसीडी में लाइट जनरेट नहीं होता है, ठीक है, बट सिंपली अल्टर और कंट्रोल एग्जिस्टिंग लाइट टू मेक सेलेक्ट एरियाज अपीयर ब्राइट और डार्क। इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग एडिशनल लाइट उसको रिक्वायर करते हैं, जो एलसीडी डिस्प्ले होता है उसको हम लोग एडिशनल लाइट, बाहर से लाइट को हम लोग उसमें सप्लाई करते हैं। और वो क्या करता है, जिस चीज को हमको दिखाना रहता है ना, वैसे लाइट को क्या करता है, सेलेक्ट करके, मतलब जिस चीज को दिखाना रहता है उसको लाइटेड एरिया में कर दिया और जिस चीज को नहीं दिखाना है उसको डार्क मोड में कर दिया, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले होता है वो बाहर से आने वाले लाइट होता है उसको क्या कहता है, कंट्रोल करके हमको इमेज को दिखाता है, चाहे वो डिजिट हो या अल्फा न्यूमेरिक डिजिट हो, मतलब कोई भी हो उसको क्या करता है, वो हमको दिखाता है, ठीक है। इट इज अ लो पावर कंजप्शन डिवाइस। ये क्या होता है, इसमें लो पावर का कंजप्शन होता है। एलसीडी में पावर का जो कंजप्शन होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लाइट को ऑब्जर्व करता है बाहर से और उसको स्केटर करके, स्केटरिंग करके हमको फिगर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। इन दिस एडिशनल लाइट रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, एडिशनल लाइट रिक्वायर होता है, ठीक है। ये देखिए यही है एलसीडी, ये क्या है मेरा एलसीडी, यही डिस्प्ले है एलसीडी का, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ देख सकते हैं, जो टेलीविजन है, टीवी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसके साथ ही जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है उसमें भी हम लोग एलसीडी का ही यूज करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एलसीडी डिस्प्ले ही है, और ये होता है पिन, ठीक है। तो एलसीडी खत्म हो गया, एलईडी डिस्प्ले हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।